जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार सीटी पास अभ्यर्थी काफी लंबे समय से बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने के साथ साथ मार्कशीट जल्द से जल्द जारी हो इसको लेकर के लगातार बैठक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बार फिर से बिहार सीटी पास अभ्यर्थियों के द्वारा 6 मई 2018 यानी रविवार को टीटी और सीटीईटी पास अभ्यर्थियों के द्वारा बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह बैठक 10:30 बजे से जगजीवन मैदान मोहनिया में होगी। आप तमाम बिहार टीटी पास अभ्यर्थी इस बैठक में भाग ले सकते हैं। साथ ही टीटी पास अभ्यर्थियों का कहना है कि एक वर्ष से भी ज़्यादा हो चुका है टीटी की परीक्षा का आयोजन किया हुआ, लेकिन अभी तक मार्कशीट जारी नहीं किया गया है, इसको लेकर के विशेष रूप से इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आप तमाम बिहार टीटी पास अभ्यर्थी चाहे तो इस बैठक में भाग ले सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी बिहार टीटी में पास है या फिर सीटेट की परीक्षा में पास है, 10:30 बजे से यह बैठक बुलाई गई है जगजीवन मैदान मोहनिया में। आप तमाम बिहार टीटी पास अभ्यर्थी जा सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि टीटी पास अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार बोर्ड की लापरवाही का खामियाजा टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा है। बिहार बोर्ड की लापरवाही के कारण ही अभी तक बिहार टीटी पास अभ्यर्थियों का मार्कशीट जारी नहीं किया गया है। टीटी पास अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार बोर्ड की लापरवाही की वजह से आज तक अभी तक मार्कशीट जारी नहीं किया गया है। वहीं बिहार बोर्ड के एग्जाम कंट्रोलर या फिर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की माने तो मार्कशीट जारी करने की जो बात कही गई थी वो 20 से 25 मई तक जारी कर दिया जाएगा। लेकिन हमेशा से जो है आप सब जानते हैं कि एग्जाम कंट्रोलर हो, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष या सचिव हो, मार्कशीट जारी करने को लेकर के हमेशा से बयान जो है बदल जाते हैं।